हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी बुक का इंटेक्स क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। बिफोर बर्निंग इन एयर है ना, सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए, मैग्नीशियम रिबन को हम जलाने से पहले उसको रब क्यों करते हैं, उसको साफ क्यों करते हैं? इसका ये कारण है कि मैग्नीशियम रखे रखे एयर से क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट है, और वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जो होता है उसके सरफेस से बन जाएगा, और यह जब दोबारा इसको हम यूज में लाएंगे तो यह जलेगा नहीं, यह बर्निंग को प्रिवेंट करेगा और उसके ऊपर लेयर बना के बैठा रहेगा। तो जलाने से पहले इसको हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से या किसी चीज़ से इसको हम साफ कर देते हैं। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम। सो इट प्रिवेंट इन बर्निंग एंड कॉजेज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द मैग्नीशियम। सो वी क्लीन्ड द मैग्नीशियम बिफोर यूज इट या बिफोर बर्निंग इन द एयर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से उसका कलर चेंज हो जाता है कब, जब हम आयरन उसमें डुबो देते हैं तब। देखिए, आयरन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है कॉपर से। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि कॉपर सल्फेट जब आयरन उसमें हम डालेंगे तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करने के बाद आयरन सल्फेट बनाएगा जिसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। यह कॉपर सल्फेट जो है वह ब्लू कलर का है और इसमें हमने आयरन डाल दिया, आयरन डालने के बाद यह तुरंत कॉपर सल्फेट टूट जाएगा Cu+2SO4 2- में, और ये आयरन Fe2+ यानी कि फेरस तुरंत कैच करेगा FeSO4 को और बना देगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर को अलग कर देगा। यहाँ ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन हुआ, तो यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिकॉज वन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे फेरस सल्फेट बनाएगा जिसका कलर क्या होगा, ग्रीन कलर का, है ना। और ये कॉपर सल्फेट किस कलर का था, ब्लू था, आयरन क्या होगा, ग्रे कलर का, डिस्प्लेस कर देगा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, वाई। कह रहा है ऐसे खाना यानी कि चिपरे कुरकुरे और चिप्स बिकते हैं मार्केट में 5 रुपये में, 10 रुपये में, है ना। कुरकुरे चिप्स तुम लोग खाते हो, कितना फेंक के फेंका हुआ क्लासरूम में अभी, है ना, खा के। तो कह रहा है कि उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों रखा जाता है, क्या कारण है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश विथ नाइट्रोजन, वाई, क्या कारण है कि नाइट्रोजन गैस उसमें भरा जाता है। तो इसका मुख्य कारण है कि अगर ये ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड ऑक्सीजन से, सराउंडिंग से ऑक्सीजन लेगा तो वह क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वह खाना क्या हो जाएगा, रैंसिड हो जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा, उसमें रैंसिडिटी की प्रोसेस आ जाएगी, यानी उसमें महक आ जाएगा, वह सड़ने लगेगा, महकने लगेगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इस सब से बचने के लिए, इस सब को प्रिवेंट करने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं कि नाइट्रोजन गैस है उसमें हम डाल देंगे तो ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्शन नहीं कर पाएगा और पैक रहेगा। तो फूड आइटम खराब हो जाए ना हो, फूड आइटम खराब ना हो, उसका रेंसिडिटी ना हो, इसीलिए हम क्या कहें, वह ऑक्सीडाइज ना हो, वह डी ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी ऑक्सीजन उसमें ना आए,
इन सभी से बचने के लिए हम फूड आइटम में क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस पैक करते हैं। इस बार कुरकुरे लीजिएगा तो उसमें धीरे से क्या कीजिएगा, सुई भोंक के देखिएगा और जो गैस बाहर आएगा वह नाइट्रोजन गैस होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ व्हाइट फ्यूम्स यानी कि फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन व्हाइट लाइट में क्यों जलता है? देखिए मैग्नीशियम सराउंडिंग से क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये रिएक्शन कौन सा, किस टाइप का रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के दौरान मैग्नीशियम एक्साइटेड स्टेट को प्राप्त करता है, स्टेट को प्राप्त करता है। इसका इनर्जी लेवल क्या होता है, हाई हो जाता है, हायर इनर्जी लेवल को प्राप्त करता है ना, और इसके जलने के कारण हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है और वह हीट लाइट जो होता है उसका कलर क्या होता है, वाइट निकलता है। क्या कलर निकलता है? वाइट लाइट निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन, कोई भी जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करता है? एज फॉर एग्जाम्पल, हम अगर वाटर में HCl को ऐड कर दें तो हमारा ये क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन आ गया। अब यह एक्वस सॉल्यूशन आने के बाद इसका यह मतलब है कि H2O HCl को जब ऐड करेंगे तो HCl H प्लस और Cl माइनस, यहाँ H2O के ऊपर स्लाइटली निगेटिव चार्ज है, यह तुरंत H प्लस को कैच करेगा और H3O प्लस आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा और यहाँ पे ये Cl माइनस हमारा क्या हो जाएगा, एन आयन हो जाएगा। इसका ये कॉन्सेप्ट आया कि एक्वस सॉल्यूशन में फ्री आयंस आ जाता है, तो फ्री आयंस जहां पे आ गया, फ्री चार्ज जहां पे आ गया वहां तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा ही करेगा, बिकॉज जहां पे फ्री आयंस नहीं, जहां पे फ्री चार्ज नहीं वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं। जहां पे फ्री आयंस हो, जहां पे फ्री चार्ज हो, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग कंडक्टर इसलिए हैं बिकॉज हमारे पास फ्री आयंस है। वही कॉन्सेप्ट यहां पे आया कि अगर एक्वस सॉल्यूशन में फ्री आयंस आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, बस सीधा सा इसका आंसर है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू इन व्हीकल्स। वी यूज कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू इन व्हीकल्स बिकॉज द फील्ड व्यू ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज वाइडर देन दैट ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। सो वी यूज कॉन्वेक्स मिरर एंड दैट ऑफ कॉन्केव मिरर। ओके, फील्ड व्यू ज़्यादा चौड़ा होता है किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, किसके हिसाब से, कॉन्केव मिरर के हिसाब से। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज देता है, एकदम सामने सामने का इमेज, सीधा इमेज है ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं है ना, किसके बदले, कॉन्केव मिरर के बदले। कहाँ पे? तो व्हीकल्स में। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरोसिन, टरपाइन और पानी हमको दिया गया है। अब हमको ये बताना है कि किस मीडियम में लाइट ट्रेवल सबसे तेजी से करेगा। जिस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, लो हो, जिस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी लो हो, उसी मीडियम में लाइट क्या होता है, फास्ट ट्रेवल करता है। और सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर का होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का होता है 1.33, केरोसिन का 1.44 और टरपाइन का 1.47। तो सबसे कम किसका, वाटर का, तो लाइट ट्रेवल किस में फास्टेस्ट करेगा, तो वाटर में। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू नॉट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं? इसका सीधा सब सिंपल से आंसर है कि अगर हमारे पास यह मैग्नेट है और यह इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो नॉर्थ से शुरू हुआ है
और साउथ की ओर एंडिंग कर रहा है। अगर यह लाइन आपस में किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाता है तो यहाँ पे दो डायरेक्शन निकलेगा, दो, एक इधर एक स्ट्रेट। देखो यहाँ पे दो डायरेक्शन निकल जाएगा। तो जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन निकल रहा है, दो टेंजेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। डायरेक्शन कोई भी एक है, वो कांस्टेंट डायरेक्शन होता है, दो डायरेक्शन नहीं निकलेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर बिकॉज इफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट टू डायरेक्शन इज पॉसिबल, टू डायरेक्शन कैन बी फाइंड आउट, सो इट इज नॉट पॉसिबल। दो डायरेक्शन फाइंड आउट किसी भी एक पॉइंट पर नहीं कर सकते, है ना। ये इसी यही कारण है कि आपस में कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। डायरेक्शन कहने का ये मतलब नहीं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इसके ये कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगा, मान लो यहीं पे इंटरसेक्ट कर गया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का दो डायरेक्शन निकलेगा जो कि पॉसिबल नहीं है, है ना। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। कह रहा है कब, जब किसी करेंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसका द्वारा जो लगाया गया फोर्स मैक्सिमम होगा, कब। सिंपल सी बात है, अगर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें करेंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम परपेंडिकुलरली प्लेस करते हैं तो हम लार्जेस्ट फोर्स यानी कि मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, हमको लार्जेस्ट फोर्स क्या होगा, प्राप्त होगा, समझ गए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द करेंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वी गेट यानी कि वी एक्सपीरियंस्ड मैक्सिमम लार्जेस्ट फोर्स। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है, पहला कारण जिस एप्लायंस का हम यूज कर रहे हैं या तो वो खराब हो गया हो, या दूसरा कारण जिस सर्किट में हम यूज कर रहे हो, मान लो ये बोर्ड लगा हुआ है इसमें हम कॉर्ड लगा दिए, है ना, जिस सर्किट में हम यूज कर रहे हो उस सर्किट में फॉल्ट अगर आ जाएगा तो इसका लीव वायर न्यूट्रल वायर से क्या होगा, कनेक्टेड हो जाएगा और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की संभावना हो जाएगी या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसका सीधा सा आंसर आया, कॉन्सेप्ट आया कि व्हेन लीव वायर कनेक्टेड विद द न्यूट्रल वायर देन शॉर्ट सर्किट इज हैपन बिकॉज अब मैक्सिमम यानी कि हाई अमाउंट ऑफ करेंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इससे अधिक मात्रा में क्या होगा, करेंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे सर्किट क्या होगा, जल जाएगा, आग लग जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल करेंट फ्लो इजिली थ्रू थिन वायर या थिक वायर। करेंट आसानी पूर्वक किस वायर से फ्लो करेगा, तो आपने पढ़ा है कि करेंट को रोकने वाला या ऑब्स्टकल जो है वो रेजिस्टेंस है, जिसमें रेजिस्टेंस की मात्रा कम होगी वहां करेंट तेजी से भागेगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टर। जो तार जितना ज़्यादा मोटा होगा उसका उसके अंदर रेजिस्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि उसका एरिया उतना ज़्यादा होगा, मोटा तार ज़्यादा एरिया है तो रेजिस्टेंस क्या है, कम है, तो करेंट इजिली पास करेगा। पतला तार कम एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस, करेंट धीरे धीरे पास करेगा। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि थिक वायर में करेंट इजिली पास होगा बिकॉज उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, है ना, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, करेंट इजिली पास करेगा। स्टूडेंट्स, यू कैन कमेंट मी, आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करो, बोर्ड बेस्ड हो या आपको टॉपिक वाइज वीडियो हो, है ना। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ सपोर्ट मी।